नमस्कार, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का जो नया टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्स कोड है UGPA 101 और उसके अंतर्गत ये आज 5वीं इकाई है। इससे पहले 4 यूनिट जो इसके पहले के वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन्हें देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आज का ये टॉपिक यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम है, कोर्स कोड है MAPS 104 और उसमें जो ब्लॉक 4 है यानी खंड 4, उसके अंतर्गत डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो समान रूप से उपयोगी है, आप भी इसे देख सकते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक नया डिसिप्लिन है, एक सब डिसिप्लिन के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सब डिसिप्लिन है लोक प्रशासन का। उसी प्रकार डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक उप विषय है लोक प्रशासन का। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम विकास प्रशासन का अर्थ समझेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे और साथ ही साथ जो विकास प्रशासन है और जो परंपरागत प्रशासन है, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन या रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको आज हम जानेंगे इस क्लास में अपनी। और आपने इसके अतिरिक्त एक और टर्म सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। तो इन दोनों में अंतर होता है, कुछ लोग इसे एक ही अर्थों में ले लेते हैं, इन एक अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, एक मामूली सा अंतर है, उस पर भी हम बात करेंगे। फ्रेडरिक्स ने उसके बारे में क्या कहा है ये भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में देखते हैं हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ रिलेटिवली रिसेंट ओरिजिन, ये इसको एक सब डिसिप्लिन के रूप में जाना जाता है, जैसा अभी हमने बात की थी, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुआ है, जब डेवलपिंग कंट्रीज का इमर्जेंस हुआ है। जो डेवलपिंग कंट्रीज टर्म है, आप सभी जानते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ये जो विकासशील देश है उनका उदय हुआ था, क्योंकि इससे पहले ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे और ब्रिटिश कॉलोनी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे दो ही कार्य हुआ करते थे, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और रेवेन्यू को कलेक्ट करना। डेवलपमेंट नाम उनके लिए बिल्कुल इरेलीवेंट था, वो विकास के लिए नहीं आए थे इन देशों को, जो विश्व के देश हैं जो जिनको उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया था, तो डेवलपमेंट नहीं करते, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर सी बात है जब देश आज़ाद हुए तो उनके सामने एक समस्या आई कि कैसे अपने देश का जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है वर्तमान में उनका सुंदरतम प्रयोग करते हुए कैसे हम अपने देश को डेवलप कंट्री बनाएं। तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में आ गए और विकास के लिए उन्हें उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें बदलाव करना था, उन्हें अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना था, जो परंपरागत हमारा प्रशासन था उसमें परिवर्तन लाना था। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को समझने से पहले हमें जानना होगा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ हम जानेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट शब्द आपने सुना तो डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग संदर्भों में उसका प्रयोग होता है। जैसे अर्थशास्त्री इसको उत्पादकता के रूप में, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका इन्हेंसमेंट हो रहा है, उस अर्थों में लेते हैं। समाजशास्त्री इसको समाज से जोड़कर देखते हैं। अब लोक प्रशासन चूंकि समाज से ही जुड़ा है, सामाजिक विज्ञान का विषय है, तो वो भी समाज से ही जोड़कर देखता है। तो डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, किसको हम कहते हैं विकास? तो सामान्य शब्दों में यदि हम समझें तो डेवलपमेंट के साथ एक शब्द आता है चेंज, परिवर्तन। जब डेवलपमेंट को हम डिफाइन करेंगे तो हम परिवर्तन शब्द जो है इसको समझेंगे। तो डेवलपमेंट क्या है? चेंज का ही एक कंडीशन है, मतलब परिवर्तन की एक अवस्था है जिसमें हम अपनी निम्न स्थिति से, इसमें परंपरागत स्थिति से आधुनिक स्थिति में आते हैं, यानी हमारी जो स्थिति पहले थी, जो निम्नतर स्थिति थी, उससे चेंज होकर के, उसमें परिवर्तन होकर के आज हम आधुनिक स्थिति में आए हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। यानी डेवलपमेंट के साथ चेंज जुड़ा है। अगर बहुत ही कम शब्दों में किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं परिवर्तन की अवस्था जिसमें हम अपनी पुरानी स्थिति से नई स्थिति में आते हैं, यानी अच्छी स्थिति में हम बढ़ते हैं। तो एक सामान्य अवस्था है परिवर्तन की, उसको हम विकास कहते हैं और इसी अर्थ में हम लोक प्रशासन में इसको
पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ रिलेटिवली रिसेंट ओरिजन है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका इमर्जेंस हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आया है। इट वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाई एन इंडियन स्कॉलर गोस्वामी इन 1955 एंड देन पॉपुलराइज बाई रिक्स एंड वीडनर। विकास प्रशासन जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो नाम मिलते हैं और यहाँ बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। पहला नाम हमें ये मिलता है कि एक प्रसिद्ध विद्वान जो भारतीय विद्वान थे, यूएल गोस्वामी, इसमें पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, जो इंडियन स्कॉलर हैं यूएल गोस्वामी, उनका एक 1955 में एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल है द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और अपने इस आर्टिकल में यूएल गोस्वामी जी ने सबसे पहले डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग किया था। तो इस शब्द सबसे पहले प्रयोग में कब आया, भारतीय विद्वान के द्वारा 1955 में। और कहीं कहीं आपको मिलता है कि डोनाल्ड सी स्टोन, इनका नाम मिलता है कि इन्होंने शब्द को परिभाषित किया, पहले इस शब्द जो आया है वो डोनाल्ड सी स्टोन के माध्यम से आया है। तो यहाँ हमें बिल्कुल क्लियर रखना है कि आपने नाम सुना होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक महान विचारक है फेरल हेडी डोनाल्ड सी स्टोन को, जो कि अमेरिकी थिंकर थे, अमेरिकी विद्वान थे डोनाल्ड सी स्टोन, उनको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इस शब्द का वो मानते हैं शुरुआत करने वाले डोनाल्ड सी स्टोन थे। तो डोनाल्ड सी स्टोन को इस शब्द को गढ़ने का श्रेय जाता है और भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी को इस शब्द को प्रथम बार प्रयोग करने का श्रेय जाता है। तो सबसे ये आप दोनों बातें याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आप उस पर ध्यान देंगे तो आपका आंसर सही टिक होगा। अगर पूछ रहा है द टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय इंडियन स्कॉलर, तो आप वहाँ इंडियन स्कॉलर यूएल गोस्वामी में टिक करेंगे। अगर पूछता है कि दिस टर्म वॉज क्वाइंड बाई, तो सबसे पहले किसने शब्द को गढ़ा है, किसने क्वाइन किया है, तो उसमें आप डोनाल्ड सी स्टोन का नाम टिक करेंगे। ये बेसिक सा थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो दोनों नाम हमें लगता है कि डोनाल्ड सी स्टोन को माने या फिर हम यूएल गोस्वामी को माने। इसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड बोथ एज अ डिसिप्लिन एंड अ प्रोसेस। जैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की थी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम दो तरीके से जानते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह से हमारे दो स्वरूपों में हमारे सामने है। पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन और दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एक्टिविटी। एज एन एक्टिविटी जो हम दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में देखते हैं, जो प्रशासन से हमारा सामना होता है, और जो एज अ डिसिप्लिन जो हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, इसमें अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता है, शोध होता है। इसी प्रकार से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस भी है, यानी एक एक्टिविटी भी है और एक डिसिप्लिन भी है, जिसको हम एक सब डिसिप्लिन माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डिसिप्लिन यानी इसको हम विषय के रूप में इसका अध्ययन भी करते हैं। इंडीड द एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न विद डेवलपमेंट एक्टिविटीज इज कॉल्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेवलपमेंट को हमने समझा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग नेचर एंड स्कोप जिसमें हमने बात की थी, तो आपसे डिस्कस किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी संगठन में, अब जब एडमिनिस्ट्रेशन का नाम आएगा तो संगठन उसके साथ जुड़ा रहता है, तो किसी भी संगठन में एक निर्धारित उद्देश्य होता है जिसको हम कॉमन गोल कहते हैं, सभी का उद्देश्य एक ही होता है और उसकी प्राप्ति के लिए जो सामूहिक प्रयास किया जाता है, उस संगठन के लोग जो प्रयास करते हैं, तो जो उसमें उनकी गतिविधियाँ होती, जो एक्टिविटीज़ होती हैं गोल अचीव करने में, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो यहीं पे हमें इसको क्लियर कर लेना चाहिए कि द एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न विद डेवलपमेंट एक्टिविटीज इज कॉल्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ठीक इसी प्रकार जो विकासात्मक लक्ष्य हैं एक देश के, एक सरकार के, तो उनको पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो विकास कार्य करने के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं, उसी को हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन कहते हैं। द डिक्शनरी डिफाइंस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज द इन्हेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक्स, प्रोसेसेस
एंड सिस्टम्स ऑर्गेनाइज टू इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ अ नेशन यूजुअली न्यूली इमर्जिंग नेशंस बार बार देखिए न्यूली इमर्जिंग नेशंस आ रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमरजेंस हुआ है. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के लिए है क्योंकि जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो डेवलप्ड कंट्री है वहीं पर काम करता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ वो वर्क नहीं करे क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है तो टेक्निक्स बदलनी पड़ेंगी. तो जो डिक्शनरी में डेफिनेशन हमें मिलती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें इन्हांसमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक्स जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं अगर कोई विकास कार्य करना है कोई गतिविधियाँ उससे संबंधित हैं प्रशासनिक तो जो कौन सी हमें टेक्निक यूज़ करना है उनका इन्हेंसमेंट और उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए. हम कैसे टेक्निक्स को बदल के अच्छी तरीके से गोल अचीव कर सकते हैं जो प्रक्रिया है प्रोसेसेस उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है और जो हमने सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रखा है कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है ताकि हमारे जो देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी यानी प्रशासनिक जो कैपेसिटी है प्रशासनिक क्षमता है एक देश की उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सके उसको अच्छा किया जा सके. ये डेफिनेशन हमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मिलती है. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कहीं कहीं फीचर भी मिलता है तो आप एक ही अर्थों में आपको लेना है. तो सबसे पहले कुछ विद्वानों का हम नाम देख लेते हैं किसने कैसे बताया है. तो नाम आता है पाई पेनेंडिकर एंड छीट सागर ये दो नाम हैं विद्वानों के जिन्होंने इसको चार तरीके से इसके फीचर्स बताए हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के. तो कौन से चार फीचर हैं. पहला है चेंज ओरिएंटेशन और रिजल्ट ओरिएंटेशन सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन एंड कमिटमेंट टू वर्क. जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो चेंज उससे जुड़ा रहता है चेंज ओरिएंटेड होता है हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है ये डायनेमिक प्रोसेस है मतलब ये यथास्थिति इसमें कायम नहीं रह सकती है परिवर्तन हमेशा होता रहेगा प्रोसेस में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा. तो चेंज ओरिएंटेशन रिजल्ट ओरिएंटेशन रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या होता है कि एक रूटीन सेट होता है गोल तो डिसाइड है उनका लेकिन उसमें रिजल्ट हमें बेहतर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता. बस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी होती है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आप इसको समझ लीजिए ब्यूरोक्रेसी होती है तो उनकी हायरार्की है उनके फिक्स काम है रूटीन बेस्ड तो परिणाम बेहतर आ पा रहे हैं कि नहीं इस पर ध्यान नहीं दिया जाता. वो अपने काम पर ध्यान देते हैं वो साधन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और साध्य को भूल जाते हैं लक्ष्यों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है. तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गोल रिजल्ट ओरिएंटेशन है परिणामोन्मुखी परिणाम पर ध्यान दिया जाता है. सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें जो नागरिक हैं देश के उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड कमिटमेंट टू वर्क जो कार्य कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी हमारी कार्य कर रही है जो प्रशासन के कार्य हैं उन कार्यों के ऊपर प्रतिबद्धता होनी चाहिए ऐसा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत बताया है इन दो विद्वानों ने पाई पेनेंडिकर एंड छीट सागर. अब इस आधार पर अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग विशेषताएं बताई हैं तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनको हमने यहाँ नोट किया है. अब ये मेन फीचर्स हैं अलग अलग फीचर्स बहुत सारे हैं अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं तो यहाँ पर कुछ हमने मेन फीचर्स शामिल किए हैं अपनी स्लाइड में. पहला है चेंज ओरिएंटेशन. चेंज ओरिएंटेशन अभी हमने बात की परिवर्तन हमेशा होता रहता है परिवर्तन सदैव चलता रहता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में. और दूसरा है गोल ओरिएंटेशन. गोल ओरिएंटेशन यानी कि लक्ष्य की तरफ उन्मुख लक्ष्योन्मुख तो वो अपने टारगेट को देखता है. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि हमें अपने लक्ष्य को देखना है कि हमें क्या प्राप्त करना है विकास अगर करना है तो विकास कैसे होगा उसके लिए हम अपने कार्य की शैली बदल सकते हैं वर्किंग स्टाइल जो होता है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं कि कैसे हमना अपना लक्ष्य हमें आसानी से मिल जाए. और नेक्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेशन. अभी हमने बात की रिजल्ट ओरिएंटेशन की हमेशा कैसे बेहतर परिणाम लाए जा सके कैसे विकास की अवस्था लाई जा सके. और इनोवेटिवनेस. अब देखिए यहाँ पर जो फीचर्स हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इन फीचर में जब भी हम इसकी विशेषता को बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें परंपरागत प्रशासन जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कमी निकल के आती है. अगर उसमें कमी नहीं होती तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अलग से कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं. तो यहीं पर एक तरीके से कंपैरिजन भी हो जा रहा है. तो फीचर के साथ साथ हम कंपेयर करेंगे तभी इसकी विशेषता बता पाएंगे इसमें क्या अलग है. तो जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इनोवेटिवनेस बिल्कुल भी नहीं है यानी नयापन नहीं है उसमें कोई नई सोच है. जैसे संगठन में कई लोग काम कर रहे हैं अब उन लोगों का काम पूरा फिक्स टाइम पे है अपना आएंगे जो उन्हें काम सौंपा गया है उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वो अपना काम करेंगे और चले जाएंगे. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है
कि यदि कोई एम्प्लॉय भले ही वो निचले स्तर का हो, अधीनस्थ हो, अगर वो कोई न्यू आइडिया दे रहा है तो क्यों ना हमें उसका आइडिया एक बार अडॉप्ट करना चाहिए, उसको अपना करके देखना चाहिए ताकि बेहतर परिणाम आ सके। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, इनोवेटिव को बढ़ावा देता है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए विचार उसमें शामिल कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंट ओरिएंटेशन। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है क्लाइंट। जब हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो हम सिटीजन शब्द पढ़ते हैं, पब्लिक पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नागरिक पढ़ते हैं, यहाँ पर एक शब्द यूज होता है क्लाइंट। अभी आप जब आगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, नवीन लोक प्रशासन, उसके बाद नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये शब्द आपको वहाँ भी मिलेंगे। कई सारी चीज़ें यहाँ इसकी जो विशेषताएं हैं वहाँ भी फिर आपको देखने को मिलेंगी। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो अपनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो लेकर के आए हैं, उनका ये मानना है कि हमें जो हमारे नागरिक हैं, यानी जिनको हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और जिनके लिए हम वो सेवाएँ दे रहे हैं, वो हम उन्हें अपने क्लाइंट माने, उन्हें अपना ग्राहक माने, ना कि सामान्य नागरिक। हमारा में जो प्रशासन का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हम उन पर शासन कर रहे हैं, ये सामान्य जनता है, हमें बस इनको डांटना है, फटकारना है, दबा के रखना। हमें जो उन्हें सर्विस देनी है, जो उनकी सुविधाएं हैं, वो क्या बेहतर रूप से उन्हें मिल पा रही हैं, तो एक तरीके से हम ग्राहक मान के अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी विशेषता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट, टेम्पोरल डायमेंशन। टेम्पोरल डायमेंशन का मतलब होता है समय सीमाबद्ध। जब भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई टास्क लिया जाता है, कोई किसी को काम दिया जाता है, तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कहा जाता है कि इस टाइम फ्रेम में काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर हम इसकी तुलना करते हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं है, उद्देश्य निर्धारित है, लेकिन उसको कितने दिन में पूरा करना है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं, जो काम हमें 2 महीने में करना था कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, इससे अधिक भी समय लग सकता है। कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई वहाँ ये नहीं पूछता है कि कार्य आपको दिया गया है तो क्यों नहीं पूरा हुआ। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम का ध्यान दिया जाता है कि जो काम दिया गया वो समय से पूरा हो। ऐसा अगर समय से पूरा नहीं होगा तो विकास कहाँ से हो पाएगा। लास्ट, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किसमें, जब हमने पार्टिसिपेशन इससे पहले पढ़ा था या किसी अन्य अर्थों में पढ़ते हैं, तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होता है। जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, उसमें जनता की भी सहभागिता होनी चाहिए। तो यहाँ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो बात की गई है पार्टिसिपेशन की, वो न केवल डिसीजन मेकिंग में बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत महसूस की गई है, कि जनता का जो पार्टिसिपेशन, जो सहभागिता है, वो न केवल नीतियाँ बनाने में या कोई पॉलिसी बनाते हैं हम उनके लिए, या फिर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्लान करते हैं, तो उसमें ही न शामिल करके जब उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जब उनका कार्यान्वयन होता है, उसमें भी जनता का सहभागी होना आवश्यक है। क्योंकि नीतियाँ एक कमरे में बैठकर बनाई जाती हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में जाकर किया जाता है, जिसके लाभार्थी हैं, यानी जनता के लिए हम नीतियाँ बनाते हैं। तो यदि हम उन्हें उसमें शामिल नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हर एक व्यक्ति को जो सर्विस दी जा रही है वो उन्हें मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, लाभ मिल रहा है लोगों को या नहीं। तो यहाँ पे दोनों स्तर पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ मेन फीचर्स थे जिन पे हमने बात की। इसके अतिरिक्त और भी फीचर्स हैं, आपको इसमें प्लानिंग मिल जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगे, वीडियो लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने इतनी ही शामिल की हैं। बुक में आपको और भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल या फिर रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें स्लैश करके रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी शामिल कर लिया है। रेगुलेटरी क्यों, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, यानी ब्रिटिश कॉलोनी जो भी देश हुआ करते थे, तो उस समय, अभी मैंने शुरुआत में भी बताया था, मुख्य कार्य प्रशासन का क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन यानी राजस्व एकत्रित करना और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग शांति से रहें, कोई विरोध न कर सके और राजस्व आता रहे। कि उनका जो उद्देश्य था वो देश का विकास करना नहीं था, लोगों के विकास में, हित में कार्य करना नहीं था, उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करना था और शांति बना के रखना था। तो दो ही मेन उद्देश्य थे परंपरागत प्रशासन के उस टाइम पीरियड में। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में यही एक खासियत है, यही एक अंतर है। तो रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नियामक प्रशासन, नियमों पर बस नियम बना दिए गए और उन्हीं को लोगों को मानना है। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन इज रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद न्यू टास्क एंड चैलेंजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अब रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसका रूटीन फिक्स है। जैसे हम इसका उदाहरण अपने घर से ले सकते हैं, अपने घर में हम डेली रूटीन अपना बना रखा है हमने कि हमें इतने बजे सो करके उठना है, फिर अपने नियमित कार्य जो हैं करने हैं, उसके बाद हमें ऑफिस जाना है 10 to 5 या 9 to 5 जो भी आपका टाइम है ऑफिस का, ऑफिस में रहना है, फिर घर आके कौन से काम हमें पहले करने हैं, कितना समय हमें किसको देना है, सारी मीटिंग किसके साथ, फिर तो पूरी एक रूटीन आपका सेट है। यदि आप सेट रूटीन से काम करते हैं और आपके लक्ष्य बड़े हैं, आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो आसानी से ग्रोथ आपकी नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर किसी देश में विकास की बात की जा रही है, विकास प्रशासन की बात की जा रही है, तो जब तक प्रशासन उसका विकास नहीं होगा, जब तक हम अपने रूटीन को चेंज नहीं करेंगे, न्यू टास्क न्यू चैलेंजेस अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हो पाई। मीन्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हमें ज़रूरत महसूस होगी, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू चैलेंजेस न्यू टास्क को भी अडॉप्ट किया गया है, रूटीन से हटकर भी लोगों को काम दिया जाता है ताकि हमारे देश का विकास हो सके। रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड टुवर्ड्स एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, वाइल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड इफेक्टिवनेस इन अचीविंग ऑफ गोल्स। अब रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो परंपरागत प्रशासन है, उसके उद्देश्य तो निर्धारित है, लेकिन वो अपने इकोनॉमी को फोकस करता है, कैसे सीमित खर्च में हमें अच्छे आउटपुट मिल जाए, खर्च ना करना पड़े, हमें अपने काम बढ़ाने ना पड़े, संसाधनों को बढ़ाना ना पड़े, इन्हीं संसाधनों में हमें अपने गोल को पाना प्राप्त करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके पास सीमित संसाधन है और आपके लक्ष्य बड़े हैं, आप उनको आसानी से प्राप्त कर लें। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने संगठन की ग्रोथ के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए इफेक्टिवनेस लाता है। कैसे इफेक्टिवली, वो नहीं देखता कि कम खर्चे में हमें करना, संसाधन अगर बढ़ाने हैं तो बढ़ा लिया जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली हमें अपना काम करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी गोल को अचीव करें, गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन आर सिंपल व्हाइल दोज ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर मल्टी डायमेंशनल। अब जो रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके उद्देश्य बहुत ही साधारण होते हैं। जैसे हमने अभी बात की, उनके दो ही प्रमुख उद्देश्य होते थे, रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुआयामी जो उद्देश्य होते हैं, मल्टी डायमेंशनल, उनका एक उद्देश्य उनका लोगों का विकास, कि लोग कैसे खुश रहें, लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंचे, जो नीतियां बनाई जाए उनका लाभ लोगों तक कैसे प्राप्त हो, तो वो डेवलपमेंट की बात करते हैं और उनके जो गोल होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। द इम्फेसिस ऑफ रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस व्हाइल इम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस एंड इंटरग्रुप कोलैबोरेशन। कहते हैं अगर कोई काम अकेले नहीं हो सकता है तो क्यों ना हम टीम वर्क की भावना से करें, यानी जो टीम वर्क होता है उसमें अच्छा आउटपुट मिलता है। हम अगर समूह में रहकर कोई कार्य करते हैं, जैसे एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अकेले कोई प्रयास किया और समूह सामूहिक प्रयास किया गया, तो सामूहिक प्रयास ज़्यादा वहाँ पे सफल होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं कैसे इस काम को कम समय में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो टीम वर्क होना चाहिए। तो जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रुप को लेकर के चलता है, और यहाँ इंडिविजुअल ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल फोकस किया जाता है। एक मेन डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द हमने सुना है, अब एक और शब्द आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, यानी विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास। कभी कभी हमें ये दोनों एक जैसे लगते हैं और हम एक ही अर्थ में इनका प्रयोग कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। और फ्रेड रिक्स ने बहुत ही अच्छा इसमें अंतर किया है कि पता है कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने इसका जो उदाहरण दिया है, इसकी जो तुलना की है, जैसे मुर्गी और अंडे का संबंध है, उससे इसकी तुलना की है कि दोनों एक के बिना दूसरे का अस्तित्व तो नहीं है। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इसको देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी कैन टेक अप इट्स टू फेसेट्स। अब कौन कौन से दो पहलू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का प्रशासन, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट का जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास का प्रशासन, और दूसरा जो शब्द है वो कह रहा है प्रशासन का विकास। इन दोनों में अंतर क्या है, गेराल्ड केडन की बहुत ही अच्छी परिभाषा है यहाँ पर, पहले इसको देख लेते हैं फिर आपसे आगे चर्चा होती है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। गेराल्ड केडन कहते हैं
कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि विकास प्रशासन प्रशासन का विकास नहीं है. इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच फोकसेस ऑन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस चेंज टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पहलू है, एक कार्यात्मक पहलू है जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को करता है. और ये प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कंट्री के, उनकी तरफ इसका जो रुझान है वो होता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में एक और आगे बातें कहते हैं, ही आइडेंटिफाइज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जस्ट एक कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं गेराल्ड कैडन, ये इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक एरिया मानते हैं. इट इज़ अ सब डिसिप्लिन और इसका लोक प्रशासन का एक उप विषय. विकास प्रशासन को गेराल्ड कैडन मानते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि लोक प्रशासन का एक उप विषय है. तो अब इसको समझिए कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, सीधा सा अर्थ इसका ये है कि जो विकास कार्य के लिए गतिविधियां की जाती हैं, जो प्रशासन किया जाता है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन है. अब प्रशासनिक विकास क्या है कि जो प्रशासनिक हमारी मशीनरी है, जैसे संगठन हो गया, उसकी टेक्निक्स हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था है उसका विकास. अगर प्रशासनिक व्यवस्था का विकास नहीं होगा तो विकास प्रशासन को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे. तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और विकास प्रशासन के लिए हमें प्रशासनिक विकास का करना, यानी प्रशासनिक विकास का प्रशासन करना बहुत ज़रूरी है. प्रशासनिक विकास की आवश्यकता इसके लिए अवश्यंभावी है. तो विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों में डिफरेंस है. तो आज के लेक्चर में हमने जो बात की डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत सबसे पहले हमने बात की कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो डेवलपमेंट क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, दोनों को अलग अलग समझा. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स पर बात की, इसके क्या फीचर होते हैं, और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है, इसको हमने कुछ बिंदुओं के आधार पर जाना चर्चा की. और इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक विकास यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, फ्रेडरिक्स इसमें क्या कहते हैं, इसको हमने जाना. तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगला हम दूसरा कोई नया टॉपिक लेकर के आते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर हम बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.